तिलमिला गया है। भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। भारत चीन ताइवान टेंशन पर सबसे बड़ी महाकवरेज। सीधे एलएसी से देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, देखिए ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सामने की पहाड़ियां वही पहाड़ियां हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भारतीय सेना की वो ताकत है जिस पे हम सालों साल से गुरूर कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है और ये तस्वीरें चीख चीख कर ये बता रही है उन लोगों को जो सवाल उठाते हैं हमारी सेना पे वक्त वक्त पे। इन तस्वीरों के जरिए साफ साफ पता चल रहा है कि जब भी एलएसी पर चीनी सेना वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या उनकी अगर साजिश अतिक्रमण की है तो मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से दिया जाता है, किस सलीके से दिया जाता है, वो हमारी भारतीय सेना के दमखम के जरिए आप सभी दर्शकों को पता चल चुका है। इसका जिक्र पहले भी किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा से लेकर राज्यसभा में यह कहा कि हमें अपनी सेना पे गुरूर होना चाहिए। दोपहर होते होते तक एक ऐसा वीडियो आता है जो सबके लिए गर्व का विषय बन जाता है और लोग बकायदा उसको शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पे इसको लेकर सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये तो तय है कि ये जो तस्वीरें इस वक्त हमने दिखाई और ये उस इलाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो तवांग से सटा हुआ इलाका है और जहाँ मूवमेंट काफी बढ़ चुका है। हमारी सेना वहाँ पे अलर्ट है, सरहदी इलाकों में अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति ये पहली दफा नहीं है कि वो अतिक्रमण के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश किया हो, उसकी साजिशें चलती रहती है। लेकिन पहले की तुलना में हमारी सेना इतनी ताकतवर हो गई है कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम अपनी जमीन का 1 इंच कहीं से भी एक टुकड़ा भी जाने नहीं देंगे, ये हमारी ताकत है, ये नया भारत है और नए भारत के तौर पर हम दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं और उसकी कई वानगी आपके सामने रहा है। एलएसए की हर हलचल पर न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग जारी है और तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए एलएसी की ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से सफेद धुंध के आगोश में तमाम पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध की चादर आपको नजर आएगी। ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर नीचे लुढ़कता जा रहा है, लेकिन गर्म जोशी से भारतीय सेना लगातार एलएसी पर डटी हुई है। चीन की हर चालबाजी का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके मंसूबों को तोड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना को यहीं से हम सलाम करते हैं। क्योंकि आप देखिए कितना दुर्गम यह इलाका है, आसपास सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा, खामोशी नजर आएगी, कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए सामने आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध की चादर नजर आएगी, आसपास कुछ नहीं नजर आ रहा है, सन्नाटा है, खामोशी है, दुर्गम इलाका है, कोई पहुंच नहीं सकता है यहाँ पर। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मुस्तैदी से हमारी भारतीय सेना लगातार एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में डटी हुई है। क्योंकि जो तवांग में घटना हुई है उसके बाद से पूर्वोत्तर के इलाके हो, एलएसी के आसपास के इलाके हो, लगातार वहां पर तनाव टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है।
मोनिका के जरिए हमारी सहयोगी बिल्कुल वहां पहुंच चुकी हैं जहां से ये तस्वीरें साफ सब हम आपको दिखा पा रहे हैं और जहां की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारी सेना के सामने चौतरफा चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय सेना चीनी सेना के सामने सीना लेकर खड़ी है और वो पूरे दमखम और पूरी ताकत के साथ उसको दिखा रही है अपनी ताकत कि आप हमारे जमीन के हिस्से में नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो न्यूज 18 इंडिया आपको सीधे LSC से सेना के दमखम की तमाम तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, लेकिन 9 दिसंबर को क्या हुआ? पेट्रोलिंग के वक्त जब चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी, भारत और चीनी सेना आपस में एक दूसरे से टकराए, उस वक्त क्या हुआ? कई सवाल उस घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या 2023 में चीन एक बड़े युद्ध का प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गलवान के बाद तवांग चीन के पूरे इरादों का टारगेट बना है। तवांग में क्या हुआ, तवांग में क्या साजिश रची गई? बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा क्योंकि तवांग पर इससे पुख्ता रिपोर्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तवांग में ये जगह है यांगस्ते, ठीक LAC पर, ऊंचाई 17,000 फीट, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया, उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और इस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। जब दोनों तरफ की फौज डेमसांग और डेमचोक में आमने सामने है, तब चीन की तरफ से ये बड़ा धोखा कहा जाएगा। इससे पहले 2021 में अक्टूबर के महीने में भी चीन के कुछ सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की, तब भारत ने उसकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा था और कई घंटों बाद उनको छोड़ा था। पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए बेहद जरूरी है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए और विस्तारवादी नीति जो है वो अपने ख्यालों से बाहर निकाल ले। ऐसा करने के लिए भारतीय सेना अब लद्दाख के बाद पूर्वोत्तर में तवांग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखिए कि तवांग में चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या है। पूर्वी सेक्टर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत समझिए। कोलकाता में पूर्वी कमांड के तहत 3 बड़ी फॉर्मेशन आती हैं। पहली है असम के तेजपुर में चौथी कोर, दूसरी है नागालैंड के दीमापुर में और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। ये 3 बहुत बड़ी फॉर्मेशन है जिन पर पूरे पूर्वोत्तर के डिफेंस की जिम्मेदारी है। हेडक्वार्टर लेवल पर इस पावर की मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब देखिए कि तवांग को बचाने के लिए भारत के पास इन 3 कोर के तहत कितने सैनिक हैं, इसके बारे में बहुत जरूरी आंकड़े जान लीजिए। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से समझ लीजिए कि 1,00,000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात है।